उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटों के लिए 10 जुलाई को हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। उत्तराखंड में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। दोनों सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। खास बात यह है कि बीजेपी यहां बद्रीनाथ सीट भी हार गई है, जबकि कांग्रेस ने मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों सीटों पर कब्जा कर लिया है। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को 5000 से में बीजेपी तगड़ा झटका लगाया। राजेंद्र भंडारी सीट से कांग्रेस के विधायक थे और लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर वो भी यहाँ बद्रीनाथ सीट हार गई है। सीट खाली हुई थी, अब इस सीट पर उपचुनाव हुए जहाँ एक बार फिर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। लगा है अलग मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। कांग्रेस उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने या बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को सिर्फ 449 वोटों से हराया है। बसपा प्रत्याशी उत्तराखंड में उबैदुर रहमान तीसरे स्थान पर रहे हैं। मंगलौर सीट देखने को मिली। सरवत करीम अंसारी की मृत्यु के बाद खाली हुई थी। बता दें कि मंगलौर में 69.73% और बद्रीनाथ में 52.26% मतदान हुआ था। तो ये उत्तराखंड विधानसभा अंसारी की मृत्यु के बाद की बड़ी खबर है। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी को यहाँ दोनों सीटों पर अंसारी की मृत्यु के बाद करना पड़ा है। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर उपचुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी दोनों सीट हार गई है, वहीं कांग्रेस ने दोनों सीटों पर कब्जा कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटों के लिए 10 जुलाई को हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। उत्तराखंड में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। दोनों सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। खास बात यह है कि बीजेपी यहां बद्रीनाथ सीट भी हार गई है, जबकि कांग्रेस ने मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों सीटों पर कब्जा कर लिया है। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को 5000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया है। राजेंद्र भंडारी इस सीट से कांग्रेस के विधायक थे और लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके कारण ये सीट खाली हुई थी। अब इस सीट पर उपचुनाव हुए जहाँ एक बार फिर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अलग मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। कांग्रेस उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने या बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को सिर्फ 449 वोटों से हराया है। बसपा प्रत्याशी उबैदुर रहमान तीसरे स्थान पर रहे हैं। मंगलौर सीट बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी की मृत्यु के बाद खाली हुई थी। बता दें कि मंगलौर में 69.73% और बद्रीनाथ में 52.26% मतदान हुआ था। तो ये उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी को यहाँ दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर उपचुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी दोनों सीट हार गई है, वहीं कांग्रेस ने दोनों सीटों पर कब्जा कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। किसान तक खाना है तो उगाना 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 है।